वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। आज हम मूंग स्प्राउट चीला बना रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। मूंग स्प्राउट चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग के स्प्राउट को पीसेंगे। मूंग को भिगाकर हमने स्प्राउट किया हुआ है और इसी के साथ हम एक कटोरी चने की दाल लेंगे, इसे भी हमने भिगा कर रखा है। तो अब हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये अंकुरित मूंग डालेंगे। यहाँ पर हमने दो कटोरी अंकुरित मूंग ली हुई है, इसी के साथ एक कटोरी भीगी हुई चने की दाल डालेंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है। अब हम इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, अदरक, एक मिर्ची, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, 1 चम्मच जीरा, सेंधा नमक और 1 कटोरी पानी डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। गैस पर हमने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। तवा गर्म हो गया है और हम इसे तेल से ग्रीस करेंगे। प्याज से हम तेल को सभी तरफ फैलाएंगे। 1 चम्मच बैटर डालेंगे और अब हमें इसे धीरे धीरे फैलाना है। इसे हमें राउंड सा शेप देना है। अब हम इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। इसे हमें पूरे चीले के ऊपर फैलाना है। इसी तरह से ग्रेटेड कोकोनट भी हम इसके ऊपर फैलाएंगे। ये ड्राई कोकोनट है। इसी के साथ हमें ग्रेट किया हुआ बीटरूट भी फैलाना है। सभी तरफ हमें इसे अच्छे से फैला लेना है। इसी के साथ हम ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी चीला बनकर तैयार होता है। इसे हम बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर हम घर में ही इसे ब्रेकफास्ट या लंच में भी बना सकते हैं, और ये बनाने में भी बहुत आसान है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसे हाफ टर्न कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है। ये देखिए कितना सुनहरा कलर आया हुआ है। इसी तरह से हम इसे और पलट देंगे। दूसरे साइड से भी हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे। इस तरह से स्प्राउटेड मूंग का चीला बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही शानदार अंकुरित मूंग का चीला बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम दूसरा भी चीला बनाएंगे। 1 चम्मच बैटर गरम तवे पर डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसे हमें हल्के हाथों से धीरे धीरे गोल शेप देकर फैलाना है। इसके ऊपर भी ग्रेट किया हुआ कैरेट डालेंगे, ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट डालेंगे। आप गीले नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ग्रेट किया हुआ बीटरूट और पनीर डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे भी अब हम हाफ टर्न करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे दूसरे साइड में पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी फुल पका हुआ है। इस तरह से हमारा स्प्राउटेड मूंग का चीला बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। अब हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप इसे दही या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।